हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मिनी ड्राई समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये समोसे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल बाजार की तरह ही लगते हैं। खाने में इसका स्वाद वैसा ही आता है। ये देखिए, ये समोसे कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए, मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि इसकी ऊपर की परत कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, इसके अंदर का मसाला खट्टे मीठे मसाले के साथ, ये मिनी ड्राई समोसा जिसे फरसान समोसा भी कहते हैं, ये घर पे बना के तैयार किया है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप भी एक बार इस तरह से इन समोसों को बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से हम इन समोसों को बनाना शुरू करते हैं। ये समोसा बनाने के लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है। इस मैदे को इस छन्नी में डाल के छान लेते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके डालेंगे इसमें और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल मोयन के लिए। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मोयन को इसमें जितने अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी परत उतनी ही क्रिस्पी बनती है। इसको हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मोयन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा गूंथेंगे। आटे को गूंथ लिया है, ये देखिए इस तरीके से टाइट गूंथना है इसे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इस तेल को इस तरीके से चारों तरफ फैला देते हैं और इसे ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक ये सेट हो जाएगा आटा, तब तक हम इसके लिए चटपटा मसाला बना लेते हैं। तो चलिए इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये मिक्सी का जार लिया है, उसमें डालेंगे ये आधी कटोरी मूंग की दाल है, ये सिक्की हुई जो बाजार में रेडीमेड मिलती है, बस उसी दाल का मैं यूज कर रही हूँ। मार्केट से जो हम मिनी ड्राई समोसा लाते हैं, उसमें जो चटपटा तीखा खट्टा मीठा मसाले वाला जो समोसा होता है, बस हम उसी तरीके से इस समोसे को बना रहे हैं। और ये आधी कटोरी आलू भुजिया, इसे भी इसी में डालेंगे। ये दोनों को मिक्स करके बनाने से बहुत अच्छा टेस्टी मसाला बनता है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, ये भुनी हुई सौंफ है बारीक वाली, और 1 चम्मच तिल, इसे भी मैंने भून लिया है, और आधा चम्मच लौंग का पाउडर है, ये भुनी हुई लौंग का पाउडर, और आधा चम्मच जीरा पाउडर, और 1 पिंच हींग, इसे भी ऐड करेंगे। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये 3 चम्मच खट्टी मीठी चटनी है, मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने इस चटनी का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये चटनी ना हो तो आप उसकी जगह इमली को भिगा के उसका पल्प निकाल के इसमें डाल दें और थोड़ा सा गुड़ डाल दें। ये मैं इसमें 3 चम्मच डाल रही हूँ। तो अब इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने पल्स मोड पे चला के पीसा है। एक बार चलाना है और फिर रोकना है, फिर चलाना है फिर रोकना है, बस इस तरीके से इसे पीस लिया है। अब ये तीखा खट्टा मीठा और चटपटा मसाला बन के तैयार हो गया है। इसे इस बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने मसाले को इस बाउल में निकाल लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में, और हमने आटा लगा के रखा था, अब वो 15 मिनट हो गए हैं, इसे सेट हो गया है। अब इसे थोड़ा सा हाथों से और मसल लेते हैं। ये देखिए, अभी भी ये बहुत टाइट है। अब इसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इसमें से मैंने छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली है। अब इसमें से एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। इसे इस तरीके से लंबे ओवल शेप में बेलेंगे। ये देखिए, इस ओवल शेप में इसे बेल लिया है। अब इसे बीच से कट कर देते हैं।
इधर पानी लगा देते हैं इसके कॉर्नर में और इसके दोनों कॉर्नर को इस तरीके से चिपका देते हैं। पानी लगा के चिपकाने से ये जल्दी से चिपक जाता है। ये देखिए इस तरीके का कोन बन गया ये छोटा सा। अब जो मसाला हमने बना के रखा था वो इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इस मसाले में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक चम्मच ही मसाला मैंने इसमें भर दिया और अब इसे ऊपर से भी इसमें पानी लगा लेंगे। इधर से एक प्लेट देते हुए पीछे से इस तरीके से इस समोसे को पैक कर देंगे। ये देखिए ये हमारा मिनी ड्राई समोसा बन गया। कितना सुंदर छोटा सा। ये देखिए ये देखिए ये समोसा भी बनके तैयार हो गया। इधर से प्लेट देते हुए बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाता है। और इसे रखने का भी तरीका बस ऐसा ही है, इसे खड़े ही सीधे ही रखेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे, एक कप मैदे से इतने सारे समोसे बने हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमें हल्का सा ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म में हम इन समोसों को फ्राई नहीं करेंगे। अब एक एक करके हम सारे समोसे इसमें डाल देते हैं। पैन में मैंने सारे समोसे डाल दिए हैं। अब इसे धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं, इसे हिलाना नहीं है। एक साइड से फ्राई हो गए, अब धीरे से पलट लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे समोसे दूसरी साइड से भी पलट दिए हैं। अब इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे समोसे बने हैं। इसे मैंने दोनों तरफ से उलट पलट के फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे समोसों को फ्राई करके निकाल लिया है। देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और छोटे छोटे कितने सुंदर दिख रहे हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं ये समोसे आपको कैसे लगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।